नमस्कार दोस्तों, SSC एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ई श्रम कार्ड के कौन कौन से लाभ हैं और ई श्रम कार्ड किस किस के लिए बन सकता है, कौन कौन ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं, इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड की। तो ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी कि जिन कारगरों का डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनको उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ताकि ये पता चले कि इसमें देश में कितने लोग जो हैं वो असंगठित वर्ग में काम कर रहे हैं, जैसे कि धोबी, माली, अपने अनएम्प्लॉयड, आशा वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार और भी बहुत सारे जो हैं क्राइटेरिया हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आते हैं। तो वो बहुत बार ये पूछते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे कैसे बनवा सकते हैं, इसी संबंधित हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ई श्रम की वेबसाइट पर जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई श्रम कार्ड की। तो ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले गूगल पे ई श्रम कार्ड लिखेंगे और सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके हम ऑनलाइन वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो हमें इसके बारे में पता करना है कि ये है क्या। तो इस पे हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, और अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें इसके फ़ायदे और ये कौन कौन बनवा सकता है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। तो हम बात करते हैं अपने स्कीम्स की। हम स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने चला रखी है। तो ये स्कीम्स हैं भाई, इसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी स्कीम के बारे में, जैसे मनरेगा क्या क्या बेनिफिट है उनके, किसी भी स्कीम के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो हमें पता करना है ई श्रम कार्ड के बारे में कि ई श्रम कार्ड जो है उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे वो बन सकता है। तो इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत सारे रूल्स इसमें बनाए गए हैं और बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट भी की गई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम अबाउट के सेक्शन में जाएंगे। मेनू में जाके अबाउट के सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये क्या है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसके उद्देश्य क्या हैं और कौन इसे बनवा सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से हैं और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं या जो वेजेस वर्कर हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जो किसी भी PF ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका PF ESI नहीं कटता है, सीधी भाषा में बात करें तो उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का ई श्रम कार्ड बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है, जो एज लिमिट है वो कितनी है। तो दोस्तों, इसकी एज लिमिट 16 से 59 साल तक आप कभी भी बनवा सकते हैं। 60 साल या 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे नहीं बनवा सकता, और 16 साल से नीचे का व्यक्ति भी इसको नहीं बनवा सकता। तो और इसमें आगे बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सरकार का क्या उद्देश्य था, तो देखो सबसे पहली बात करते हैं कि सरकार का क्या उद्देश्य था। सरकार के पास कोई डाटा नहीं था कि कितने लोग जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। तो ये डाटा कलेक्ट करने के लिए सरकार ने जो है ये पोर्टल खोला है, जिससे ये पता चले कि कितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्कीम है और पूरे देश को आगे बढ़ाना है। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जितने भी लोग जो रेडी लगाते हैं या अपनी दुकान खोल के बैठे हैं या
आशा वर्कर हैं या स्कूल टीचर हैं या कोई भी सिलाई सेंटर में काम करती हैं या किसी भी छोटे मोटे उद्योग में या कूड़ा बिनती हैं, कोई कुछ भी काम करते हैं, कोई भी अगर काम करते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं दोस्तों तो सरकार के पास आपका रिकॉर्ड आ जाता है, सरकार को पता लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये काम जो है इसका ना तो पीएफ कट रहा है ना ईएसआई कट रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर इसके पास गवर्नमेंट के पास सभी का डाटा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट उसके स्कीम्स में शामिल करेगी, या जैसे कि बीपीएल की स्कीम्स हैं और हमारे राशन कार्ड के साथ साथ जो हमारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम अभी मेडिकल के लिए 5 लाख तक के आप मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी स्कीम है या और भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं इस पे एप्लीकेबल रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा रहेगा। तो दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर कराना है। तो सबसे पहला पर्पस जो है इसमें गवर्नमेंट को डाटा कलेक्ट करने का है। उसके बाद दोस्तों जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, यानी कि जो प्रॉफिट और जो वेलफेयर स्कीम्स जो पहले चलाई जाती थी वो ऑनलाइन नहीं थी, वो सारी ऑफलाइन थी, तो पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंच रहा था जिसको पहुंचाना था गवर्नमेंट को। तो इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आपको कोई सरकार कोई फ़ायदा देना चाहती है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डालेगी, सबसे बड़ी बात। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर कराएं। और भी अन्य बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं दोस्तों, ये आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी सीएससी सेंटर पे जाके भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए। इसके साथ साथ आपको बैंक कॉपी ज़रूर चाहिए, या आपके पास अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों चीज़ें काम आएंगी। तो आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और बैंक की कॉपी, ये तीन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सब जो है हमने बात कर ली है, क्या इसके बेनिफिट हैं, ये कौन कौन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से हैं, और जो है ई श्रम पोर्टल का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों बात करें अब हम कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी डाउट या क्वेरी है तो दोस्तों इसमें वीडियो भी दी गई है, आप वहाँ से वीडियो देख के भी आप जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसमें वीडियो भी दी गई है जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लेके जाएं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और उसके बाद आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा। तो आपके फ़ोन में ओटीपी आने के बाद, आपके फ़ोन में ओटीपी जैसे ही आ जाएगा तो वो ओटीपी आपको भर देना है, 6 नंबर का ओटीपी आएगा। और ईएसआई पीएफ के दोनों जो पॉइंट है उन पे आपको जो है